हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो भाई आपको पीछे गाड़ी दिख रही होगी आयोनिक 5 जो ना एचआर नंबर गुड़गांव है। तो भाई गुड़गांव में आए हुए थे आज यहाँ पे, तो आयोनिक में भाई नहीं, इसको सोच रहे अभी डिसकंटिन्यू करने की, क्योंकि अभी क्रेटा आने वाली है ईवी में। तो ना पहले पर ना उसको थोड़ा सा आपको ना बढ़िया फीचर्स जो है महंगी सब अभी राइट नाउ में, तो भाई देखा जाए तो ईवी में सबसे महंगी हुंडई वालों की सबसे महंगी गाड़ी यही है। तो ना इसको अंदर से भी कवर करेंगे और बाहर से भी आपको फीचर्स बताएंगे, जो जो मेन मेन फीचर्स है ना इसके, मतलब जो इसको अलग बनाते हैं और ईवी गाड़ियों से, चाहे वो नेक्सोन हो, चाहे ईवी 6 हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी पकड़ लो आप, कोई भी गाड़ी हो, तो उससे अलग कैसे बनाते हैं वो फीचर आपको दिखाते हैं। ओल्ड स्कूल चीज़ों मेरे को भाई फंक्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं अंदर, तो वो दिखाते हैं आपको। चलो तो कोई नहीं भाई, अभी ईवी 6 को ना आपको फ्रंट से दिखाते हैं आपको। फ्रंट में यहाँ पे ना आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, 360 व्यू कैमरा तो है वैसे, तो अंदर से आपको स्क्रीन दिखाएंगे कैसे, बैक कैमरा भी दिखाएंगे, साइड का कैमरा भी दिखाएंगे। तो अभी साइड की लुक दिखा देते हैं आपको भाई, धूप में शूट कर रहे हैं, साइड की लुक ऐसी कुछ आने वाली है। अगर टायर साइज़ की बात करें ना भाई, टायर साइज़ मिलता है यहाँ पे आपको R20, ये देख लो भाई, मिशलिन का आपको टायर यहाँ पे मिलता है, बहुत बढ़िया कंपनी है मिशलिन। और भाई अलॉय व्हील नहीं है कहीं, आप इसको अलॉय व्हील समझो, ये अलॉय व्हील नहीं है। तो भाई ठीक है, यहाँ पे आपको टायर साइज बताते हुए भाई साइड में आ जाते हैं गाड़ी के, आयोनिक ड्राइव एक्सपीरियंस लिखा हुआ है हुंडई का, तो जो कि हुंडई अपनी सर गाड़ियों पे लिखती है जो टेस्ट ड्राइव की गाड़ी होती है। तो यहाँ पे भाई जो ये ना, ये आपको स्टाइप्स बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है मेरे को, और ये रेंज रोवर वाला ये बहुत कूल फीचर रहता है। और यहाँ पे आपके मिरर की बात करेंगे, यहाँ पे साइड मिरर की, यहाँ पे 360 व्यू कैमरे की आपको पोजिशनिंग मिल जाती है, तो साइड में से ना गाड़ी का लुक थोड़ा ऐसे आता है इनहेंस होके। तो अभी यहाँ पे भाई साहब बात करते हैं गाड़ी में, अभी अंदर नहीं बैठते हैं, अभी ना इसके बूट स्पेस में बैठते हैं, बूट के दिखाते हैं आपको बूट स्पेस कैसा नहीं रहा है। और ये पूरी भाई कनेक्टिंग लाइट है, आपने ये गाड़ी भाई हमारे नितिन गडकरी जी के पास भी देखी होगी, ठीक है, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास देखी होगी आपने गाड़ी। तो यहाँ पे आपको भाई कर्टन रखा हुआ है और ये चार्जर रखा हुआ है हुंडई का, ये देख लो भाई यहाँ पे बूट स्पेस में, ठीक है। तो अभी ये हम ये कवर नहीं कर रहे हैं, इसमें बूट स्पेस देख लो भाई कितना बड़ा मिलता है। और बंद करने के लिए यहाँ पे कैमरा दिख रहा है, आप कैमरा पोजिशन है यहाँ पे, इसको बंद करते हैं, एक बटन से बंद हो जाएगी। तो एक मैं फीचर चेक करने जाता हूँ इसका, जो ये वाला है पैर से मार के खुलता है नहीं खुलता है, तो वो नहीं खुल रहा है यहाँ पे आयोनिक 5 में, ठीक है भाई। अब अंदर बैठते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अंदर से भी जो इसके बढ़िया बढ़िया फीचर है वो आपको दिखाते हैं। उससे पहले ये दिखा देते हैं यहाँ पे भाई आपका चार्जिंग के लिए यहाँ पे लगने वाला है, जो भी है एक क्लिक में खुल जाएगा, यहाँ पे बटन दबा रखा तो यहीं से खुलेगा क्या भाई, कहीं भी क्लिक कर दोगे ना, जरूरी है यहाँ पे क्लिक करना, कहीं भी क्लिक कर दोगे, प्रेस कर दोगे भाई खुल जाएगा। फाइनली अब गाड़ी में बैठने का टाइम आ गया, यहाँ पे आप जो बैठते हैं रिक्वेस्ट सेंसर भी यहाँ पे मिलता है आपको, पर अभी हमारी गाड़ी जो है वो है स्टार्ट। तो भाई अंदर बैठते हैं गाड़ी के, फिर आपको दिखाते हैं भाई गाड़ी में बैठ के। ओ भाई कंफर्ट गाड़ी में भाई नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। तो उससे पहले ना भाई यहाँ पे आपको लग रहा हो कुछ पकड़ने के लिए नहीं है कि डोर कैसे बंद करेंगे, तो डोर भाई हम यहाँ पे आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है पूरा का पूरा, तो यहाँ से पूरी ग्रिप पकड़ के आप यहाँ से डोर बंद कर सकते हैं इसका। तो अभी भाई हमारा साइड वाला डोर खुला हुआ है, जो कि राहुल साहब बैठे हैं हमारी गाड़ी में। तो अभी मैं इसकी की दिखाता हूँ भाई आपको, इसकी की कैसे मिलने वाली है, लॉक अनलॉक होल्ड, और ये बैटरी वाला खोलने के लिए, बूट स्पेस खोलने के लिए, स्टार्ट करने के लिए गाड़ी को। तो भाई ऐसी कुछ सी की मिलती है आपको भाई, मस्त सी की लग रही है, ऑर्डिनरी की नहीं है, बढ़िया सी की है। और यहाँ पे पूरा कनेक्टिंग आपको नहीं मिलता है, बट स्क्रीन जो है बहुत बड़ी सी स्क्रीन है। तो भाई स्क्रीन की बात करते हो, बैटरी ना, बैटरी परसेंटेज देख लेते हैं, आपको सामने शो हो रहा है बैटरी परसेंट कितना हमारा, 11% है, और यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, और रेंज अभी भाई 35 किलोमीटर चल सकती है 11% में। और भाई यहाँ पे पूरा आपको एनालॉग मिल जाता है भाई, कितनी गाड़ी चल चुकी है, टाइम वाइम सब चीज़ में पूरा एमुलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखती है आपको, देख लो पूरी की पूरी, थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। और यहाँ पे आपको भाई थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, मोड्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ड्राइव मोड मिल जाता है, मैं दबा के दिखाता हूँ, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड और नॉर्मल मोड। और यहाँ पे आपको स्नो मोड भी मिलता है ड्राइव मोड में, होल्ड करके अलग हो गए तो स्नो मोड में भी चली जाएगी गाड़ी, थोड़ा सा लिखा हुआ है होल्ड एंड होल्ड और स्नो मोड में चली गई, ठीक है। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं यहाँ पे साइड में, यहाँ पे आपको गियर मिलता है, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था ओल्ड स्कूल सा, यहाँ पे इसको घुमाएंगे तो भाई गाड़ी आगे ड्राइव पे चली जाएगी, न्यूट्री पे हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और यहाँ पे आपका पी वाला मोड लग जाएगा, यहाँ पे देखो बटन दबाऊंगा तो पी पे चली जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद भाई हम आ जाते हैं साइड में, यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको डुअल कंट्रोल वाला एसी मिल जाता है, यहाँ पे आप अलग अलग रख सकते हैं टेम्परेचर, आपको कितनी फैन स्पीड रखनी है वो रख सकते हैं, ऑटो पे कर सकते हैं आप अपने उसको। यहाँ पे पी वाला बटन जो मैंने आपको बाहर बताया था, यहाँ मैं दिखाऊंगा अंदर, वो देखिए पी, यहाँ से आप देख सकते हैं पीछे हमारे खड़े हैं राव साहब जी, तो वो कैमरा दिख रहा है। यहाँ पे फ्रंट के लिए भी, यहाँ पे गाड़ी देखो अभी फ्रंट से भाई निकले हैं भाई भाग के, तो यहाँ पे दिख रहा होगा फ्रंट कैमरा, जो मैंने आपको फ्रंट दिखाया था, बैक कैमरा क्वालिटी भाई एक नंबर क्वालिटी है, क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पी मोड पे लगा हुआ है हमारा ये, ठीक है। तो अभी हमने व्यू का रखा था, व्यू ऐसे चल सकते हैं। और मीडिया का भाई हमारे कंट्रोल्स पूरे यहीं पे बटन दबाएंगे तो यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल आ जाएंगे, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, तो सब चीज़ में भाई कनेक्ट हो जाएंगी वायरलेसली, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई हम, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक वैनिटी मिरर यहाँ पे मिलता है,
और यहाँ पे भी साइड में ही मिलता ही होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे भी एक वैनिटी मिरर मिलता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं भाई ये वाले फीचर, ये लाइट का ऑन करके दिखाता हूँ, ये पूरी लाइट ऑन हो गई है। ठीक है, ये यहाँ पे इनके दोनों बता, अभी सनरूफ की बारी आ जाती है, मेन जो रहता है सनरूफ का, भी सनरूफ देखना भी कैसे खुलेगी। ये देखो भाई सनरूफ खुलने का भाई तरीका ही भाई नेक्स्ट लेवल है, मतलब ऐसे खुल रही है सनरूफ, ऐसे पूरा होता है ना मून रूफ का पूरा ऐसे पीछे जाता वो नहीं जा रहा भाई, इसमें ना दोनों साइड कवर अप कर रखा है। तो भाई इसको भी कर देते हैं बंद, अब देख लो भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट हमें गाड़ी एसी इतना बढ़िया चल रहा है कि गर्मी लगने नहीं दे रहा। और यहाँ पे हम ना ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, जो मेन रहता है ना गाड़ी में भाई स्पेस के मामले में, स्पेस तो भाई अत का स्पेस है गाड़ी में, पर जो है ना कि अभी भाई ग्लव बॉक्स बिना आपको देखो कैसे खुलता है, एकदम ऐसे बाहर आता है, नीचे की तरफ नहीं होता, ऐसे सामने की तरफ बाहर आता है। तो भाई ये भी भाई अलग ही बनाया है आइनोनिक में। तो भाई अभी आ जाते हैं भाई हम साइड वाली सीट पे, अगर मेरे को यहाँ पे साइड वाली सीट पे जाना है तो भाई यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, हमें आराम से भाई यहाँ पे इसको ऐसे कर दूंगा तो वापस यहाँ पे आ जाऊंगा, और यहाँ पे ऐसे करने तो ऐसे मतलब ये बिल्कुल कंफर्टेबल गाड़ी बनाई गई है, हमें डोर से ऐसे बाहर करके या फिर वो पैर पूर करके नहीं जाना पड़ेगा, आराम से यहीं से यहाँ से जा सकते हैं। तो पीछे बैठते हैं, पीछे दिखाते भाई कितना स्पेस है, कितना कम्फर्ट है, क्या क्या फीचर है पीछे। तो भाई मैंने बोलता पीछे चलते, तो पीछे आ जाते हैं भाई गाड़ी के, थोड़ा यहाँ पे भाई देख लो आपको पूरी इलेक्ट्रिक मिलने वाली है सीट्स, ये देख लो यहाँ से आपके आगे हो जाएगी, यहाँ से ये वाली सीट ऐसे हो जाएगी पूरी की पूरी, देखो डिक्लाइन हो चुकी है यहाँ पे, और आप रूट में देख सकते हो क्या है, और ऐसे यहाँ से पीछे चली जाएगी भाई, बहुत हैवी सीट है। ठीक है, तो यहाँ पे आइयो निक का भाई ये सॉफ्ट सा आपको मिल जाता है यहाँ पे, और ये मिलता है आपको वेंटिलेटरी सीट्स का ऑप्शन यहाँ से। ठीक है, कहीं नहीं जाना, यहीं वेंटिलेटरी सीट्स पर आपको यहीं पर बैठे रहना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको पीछे करता हूँ, गाड़ी में बैठते हैं और फीचर्स मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी के। तो भाई एसी की पोजीशनिंग हमें यहाँ मिलती है बढ़िया वाली, देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन है, ऊपर नीचे करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे वही है यहीं से बंद करने वाला कर्टन्स का, बहुत गर्मी हो रही है कर्टन लगा देते हैं, एक हाथ से तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पीछे यही ज़्यादा फीचर है, ज़्यादा कुछ फीचर है नहीं। तो भाई इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।